नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के प्रिय रत्न पुखराज के विषय में। साथियों, पुखराज रत्न के बारे में 7 बेहद महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा, जिनको जानना प्रत्येक पुखराज रत्न धारण करने वाले व्यक्ति के लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। हमारे ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति धन और सुख के कारक माने जाते हैं। पुखराज रत्न धारण करने से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का विनाश होता है, धन का अभाव नहीं रहता। लेकिन क्या आप जानते हैं पुखराज रत्न धारण करने के भी कुछ नियम होते हैं, उनको तोड़ने पर और उनको लगातार तोड़ने पर उन नियमों को व्यक्ति को भारी हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप पुखराज पहनते हैं या पुखराज पहनना चाहते हैं तो आज की जो वार्तालाप है आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाती है। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। पुखराज रत्न जो कि पंच महारत्नों की श्रेणी में आता है, एक दिव्य और चमत्कारिक रत्न है। इस रत्न को वृषभ और तुला जो शुक्र की राशि है, यह दो राशियों को छोड़कर सभी राशि के जातक पहन सकते हैं। पुखराज पहनने से पहले अच्छे ज्योतिषी की राय ले लेना बेहद आवश्यक होता है। साथियों, सबसे अच्छा पुखराज इस दुनिया में सिलोन यानी के श्रीलंका से ही आता है। पुखराज रत्न धारणकर्ता को झूठ, छल कपट, मांस मदिरा और वैश्यवृत्ति का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का यह रत्न धारण करने के पश्चात व्यक्ति को देवत्व धारण करना चाहिए। बहुत अच्छी श्रेणी का पुखराज पहनने के बाद भी यदि व्यक्ति का स्वभाव उससे मेल नहीं खाता, व्यक्ति के सिर में शैतान बैठा रहता है, वह अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ता, तो पुखराज रत्न आपको भारी नुकसान कर सकता है। वैसे तो शराब, मांस और मदिरा का परित्याग सभी लोगों को करना चाहिए, लेकिन तरह तरह की प्रवृत्ति के लोग इस संसार में रहते हैं, जन्म लेते और मरते हैं। आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु पुखराज रत्न रहेगा। तो पुखराज रत्न धारण करने के उपरांत दिन में तो मदिरापान बिल्कुल भी न करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 2, पुखराज रत्न को सप्ताह में एक बार बृहस्पतिवार के दिन शुद्ध अवश्य करें। उसको अपनी उंगली से निकालकर बम बृहस्पते नमः एक माला यह मंत्र का जाप करके दोबारा धारण कर लेना चाहिए। साथियों, पुखराज रत्न धारण करने वाले को विशेष रूप से बृहस्पतिवार को मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करके ही रहना चाहिए। पुखराज रत्न धारण करने वाले व्यक्ति को पूर्णिमा का व्रत यदि वह करे और पूर्णिमा के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र का जाप करे तो उस व्यक्ति के पुखराज की शक्ति 10 गुना ज़्यादा तक चमत्कारिक रूप से बढ़ जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योतिषी को दिखाकर पूरे नियम से यह रत्न धारण करने के उपरांत व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का संपूर्ण विनाश हो जाता है, गरीबी मिट जाती है, गरीबी चली जाती है। साथियों, यदि किसी कन्या के विवाह में विलंब है, किसी कन्या का अनेक बार वैवाहिक संबंध की संभावना बनने के उपरांत भी उसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, उत्तम वर की प्राप्ति के लिए कन्या को स्वर्ण में यानी कि सोने में 7.25 रत्ती का पुखराज रत्न धारण कराना चाहिए। ऐसा करने से सुखी वैवाहिक जीवन के निश्चित रूप से योग बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक वर्ष में लगभग एक राशि पार करते हैं। वह 12 वर्ष से कुछ ज़्यादा में पूरे सौरमंडल का एक चक्कर लगा लेते हैं।
शनि के बाद थोड़े मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। सबसे ज़्यादा जो मंद गति चलते हैं वह शनि चलते हैं। शनि के बाद बृहस्पति की गति भी बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। यानी कि पुखराज रत्न आपको दीर्घ काल के लिए, लंबे समय के लिए धारण करना चाहिए। दशाओं, महादशाओं और अंतर दशाओं के बदलने से, चेंज करने से पुखराज रत्न के धारण करने या ना करने का कोई भी छोटा बड़ा संबंध नहीं है। यदि पुखराज रत्न आपकी राशि में सही बैठता है, ज्योतिषी ने आपको पुखराज रत्न पहनने के लिए सलाह दी है, तो आप जीवन भर के लिए पुखराज रत्न पहन सकते हैं। पुखराज रत्न इस उंगली में पहना जाता है। पुखराज रत्न बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के एक घंटे बाद तक बृहस्पति की होरा में पहनना चाहिए। धारण करने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। रत्न धारण करने से पहले आपको अंगूठी को कच्चे दूध और गंगा जल को मिक्स करके उसमें डाल दें। बम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें, फिर जल में धो करके इस उंगली में धारण करें। धारण करने के उपरांत मीठा और थोड़ा पीला भोजन बना करके पक्षियों को खिलाएं। ऐसा करने से पुखराज पहनना बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। आपका पुखराज खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, उसमें स्क्रैच नहीं होना चाहिए, दोरंगा नहीं होना चाहिए, उसमें किसी दूसरे रंग के दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। आपका पुखराज चाहे हल्का पीला है चाहे गाढ़ा पीला है, लेकिन उसमें पीत आभाई होनी चाहिए। आउट कलर स्टोन आपको कभी भी फायदा नहीं करेगा। पुखराज रत्न धारण करने वाले व्यक्ति को झूठ बोलने से बिल्कुल ही बचना चाहिए। साथियों, यह पुखराज रत्न के बारे में कुछ काम की बातें मैंने आपको बताई। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोज के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।